क्या आपके टमी के लोअर पार्ट पर लूज स्किन है? क्या वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स हैं? और अगर हैं तो इसको कैसे ठीक करना है? क्या ये सर्जरी से ठीक होते हैं? क्या इनके लिए कोई क्रीम्स या मसाजेस करने पड़ते हैं, या कोई और नॉन सर्जिकल डिवाइसेज हैं जो इस चीज़ को ठीक कर देते हैं? इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों का जवाब दूंगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन हांडा है और मैं हूँ प्लास्टिक सर्जन एट हांडा एस्थेटिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूज स्किन और स्ट्रेच मार्क्स हमारे बॉडी पर कहीं पर भी डेवलप क्यों होते हैं। तो जब भी कोई पर्सन या तो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करे, जैसे किसी का वज़न 120 किलो हो और उसके बाद वो सडनली वेट लूज़ कर ले 50 किलो, 60 किलो, 70 या 80 किलो, तो दैट इज़ रफली 30-40% ऑफ बॉडी वेट सडनली ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ्स लूज़ करें। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले समझते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी लूज स्किन डेवलप क्यों होती है या स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं डेवलप। जब भी हमारी बॉडी की स्किन कहीं पर भी स्ट्रेच होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंड होती है, तो उसके अंदर के जो फाइबर्स होते हैं वो टेयर करते हैं, और जब वो टेयर करते हैं तो बॉडी की जो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो जाती है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे एक रबर बैंड है, अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो वापस छोड़ने पर अपनी पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट के बियॉन्ड उसे स्ट्रेच करें तो चाहे आप कुछ भी कर लो वो डैमेज हो जाता है और अपने नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पर नहीं आता, उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही हमारे बॉडी पे जो स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं इस तरीके से ही बनते हैं कि उनके अंदर के फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं और उसके बाद आप जितनी भी कोशिश कर लो वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आते, तो इसको हम बोलते हैं कि स्किन ने अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी। दूसरी चीज़, स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स के बीच में कोई अंतर नहीं होता, एक्सेप्ट कि स्कार तब बनता है जब हम स्किन को बाहर से काटते हैं, स्ट्रेच मार्क्स तब बनते हैं जब स्किन अंदर से रप्चर होती है। तो चाहे आपका वेट गेन की वजह से स्किन सडनली स्ट्रेच हो गई हो, चाहे वो एडोलेसेंस में हो गई हो जब आपका सडन ग्रोथ स्पर्ट हुआ हो, या आप जिम जाकर सडनली आपने बहुत ज़्यादा मसल बना ली उसकी वजह से डिस्टेंड हो गई, या मोस्ट कॉमन रीज़न प्रेगनेंसी के बाद आपकी स्किन सडनली डिस्टेंड हो गई, तो इसकी वजह से वो इंटरनल फाइबर्स रप्चर कर जाते हैं और वापस अपनी इलास्टिसिटी रीगेन नहीं कर पाते। सो इन अ सेंस स्ट्रेच मार्क्स स्कार्स हैं और उन दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्कार्स का ट्रीटमेंट जो होता है हमेशा ये प्रॉमिस करा जाता है कि 100% तो नहीं जाएंगे, तो अगर तो आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए, जैसे लेज़र हो गया या माइक्रोनीडलिंग हो गया, तो वो 100% तो नहीं जाएगा। तो हम अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या आप स्ट्रेच मार्क्स को या लूज स्किन को नॉन सर्जिकली ट्रीट कर सकते हो। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स नए नए बने हैं, रेड कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, तो आप उनके ऊपर सर्टन क्रीम्स लगाकर या थोड़े प्रोसीजर लाइक लेज़र माइक्रोनीडलिंग करवाकर काफ़ी हद तक उन्हें ट्रीट कर सकते हो। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स पुराने हो गए हैं, लूज स्किन काफ़ी टाइम से है, स्ट्रेच मार्क्स वाइट कलर के हो गए हैं, तो मोर और लेस सर्जरी के अलावा इनका कोई इलाज नहीं होता है। एक तरीका होता है नॉन सर्जिकल, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। ये लेज़र जो है एटलीस्ट 6-8 सेशंस कराने पड़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तब जाके स्ट्रेच मार्क्स अराउंड 80-90% से ठीक होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स पूरे तरीके से चले जाएं, तो वो पार्ट ऑफ स्किन को कट करना पड़ता है। हर स्ट्रेच मार्क्स को कट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका स्ट्रेच मार्क ऑलरेडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत हल्का हो गया है तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है, लेजर से काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेच मार्क्स बहुत बड़ा है और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, लेज़र से भी ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।